आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली समेत कई राज्यों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं समेत कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो निराधार हैं। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता विवेक शाही ने उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री लालजी प्रसाद निर्मल से सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि सीबीआई को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, साथ ही उन्होंने यूपी कानून व्यवस्था पर भी कई जवाब दिए। आखिर क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। दिल्ली में शराब घोटाले के मामलों को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। कुल 8 घंटे से ज़्यादा मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे देश में एक प्रदर्शन करेगी इस गिरफ्तारी के लिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राज्य मंत्री लालजी प्रसाद निर्मल मौजूद हैं। सर, आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं दिल्ली सरकार में, उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है शराब घोटाले का मामला लेकर, उस पर जो है आम आदमी पार्टी आप प्रदर्शन कर रही है, क्या कुछ कहना है आपका? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई एक लंबे समय से जांच कर रही थी और पूरा देश जान रहा था कि इनकी जो शराब नीति है उसमें गड़बड़ हुआ है और इस पे काफ़ी मंथन हुआ और सीबीआई ने विस्तृत जांच करके जो फाइंडिंग पाई है उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई और उनकी गिरफ्तारी हुई। और इस मामले पे जो आप पार्टी प्रदर्शन और धरने की कार्यवाही कर रही है वह नितांत अनुचित है। लोकतंत्र के बहाना लेकर के और इस प्रकार से राजनीतिक दलों द्वारा भ्रष्टाचार पर जो विराम लगाने अथवा उसकी जो आरोप हैं उसको कमतर करने की जो कोशिश है वो नितांत निंदनीय है, इसकी हम लोग आलोचना करते हैं। और आप पार्टी को चाहिए कि जो भी आरोप लगे हैं, सीबीआई ने जो भी आरोप लगाए हैं उसका जुडिशियल परीक्षण होने दें और जो भी स्थितियाँ होंगी उसको फेस करें। जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री ये बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं, और वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इनकी गिरफ्तारी का विरोध किया है और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम करती है और लोकतंत्र विपक्ष की आवाज़ इस सरकार ने कई बार दबाई। देखिए, जो इस देश का जो वर्तमान में जो विपक्ष का चेहरा है वह पूरी तरह किंकर्तव्य विमूढ़ है। भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार को देख करके और लगातार अपनी शिकस्त विपक्ष पूरी तरह हताशा की स्थिति में है और इसीलिए सीबीआई जांच पर प्रश्न चिन्ह उठाना, जुडिशियल कार्यवाही पे प्रश्न चिन्ह उठाना यह अपने आप में लोकतंत्र का अपमान है। चाहे अखिलेश यादव हों और चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हों, यह लोग भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं अपने प्रदर्शन के माध्यम से, अपने वायस के माध्यम से, जिसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। देश की जनता और सरकार उसका जवाब देगी और ये जो कार्यवाही हो रही है वो स्वागत योग्य कार्यवाही है। लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि जो उपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, चाहे ईडी की बात करें चाहे सीबीआई की बात करें, और इनका जो है सीबीआई और ईडी को दिखा के जो है जो विपक्ष है ये कहना चाहता है कि शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनका जो है घोटाले से कोई नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ। जी देखिए, ऐसा है कि जो भी भ्रष्टाचार की जद में आएगा वह चाहे जिस हैसियत का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी उच्च पद पे विराजमान हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मामले में सीबीआई की फाइंडिंग्स हुई हैं, आधार पाए गए हैं और उसको लेकर के ये कार्रवाई हुई है और ये हंगामा करके
इसे रोका नहीं जा सकता, ये कार्रवाई बिल्कुल जायज है और ये चलती रहेगी। कुछ दिनों पहले प्रयागराज में एक कांड हुआ था जिसमें मुख्य गवाह जो था उसको गोली मार दी गई थी, और उसके बाद जो प्रदेश का विपक्ष है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कानून व्यवस्था पर, उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था पे सवाल उठाए, कहा कि जो सरकार कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है उसी प्रदेश में दिन दहाड़े गवाहों की हत्या हो जा रही है। बहुत बड़ा आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाया। देखिए, अखिलेश यादव ने प्रयागराज के प्रकरण पर जो आरोप लगाया है उनको सबसे पहले अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए कि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं और जिनके लड़कों की गिरफ्तारी हुई है वे कौन लोग हैं। वह समाजवादी पार्टी द्वारा पालित और पोषित अपराधी गैंग है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्लियामेंट में भेजा सहयोग से अपने, उन्हें विधायक बनाया, उनको राजनैतिक ताकत दी और लोकतंत्र में अपराधियों को पनाह देने का जो कार्य किया समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने भी, उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में माफिया खूब फले फूले। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं माफियों का विनाश हो रहा है और माफिया विहीन उत्तर प्रदेश हो रहा है, जिसको देखकर के राजनीतिक पार्टियां बौखला गई हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, और इसी कारण ये अनर्गल बयानबाजी कर रही हैं। अतीक अहमद और उसके परिवार के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई जायज है, और कोई भी माफिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साफ साफ कह दिया है कि माफियाओं को मिटा देंगे उत्तर प्रदेश से, और कोई भी माफिया कोई भी गुंडा अगर इस प्रकार से कृत्य करेगा तो जेल को सीखों के पीछे होगा और उसके खिलाफ इतनी गंभीर कार्रवाई होगी कि आने वाली नस्लें उसकी याद करेंगी। तो ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री डॉक्टर लाल जी प्रसाद निर्मल, जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जो है वो अनुचित है और CBI को उसके काम करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। वहीं विपक्ष के मुद्दे पर प्रयागराज कांड पे जो समाजवादी पार्टी के लोग लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है और जो भी यहाँ के माफिया हैं वो सरकार से डरे हुए हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट के सभी 8 आरोपियों की सजा का फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। माना जा रहा है कि कोर्ट कल फैसला सुना सकती है। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में 7 मार्च 2017 को सुबह 9:38 पर एक बोगी में ब्लास्ट होता है। आनंद फानंद में लोग कुछ समझ पाते हैं, तब तक बोगी पूरी तरह से धुआं और चीख पुकार का मंजर बन जाता है। गिरफ्तार हुए आतंकियों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल, लोगों की जान से खिलवाड़ कर और कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। ATS और NIA की मानी तो गिरफ्तार अभियुक्त आतंकी गतिविधियों में रोल था और उनके पास से एजेंसियों को मोबाइल फोन, हथियार और तमाम आतंकी साजिश के प्रमाण मिले थे। बहरहाल न्यायालय का इस फैसला कल सुनाएगा और तय होगा कि आतंकियों को कितनी सख्त सजा मिलती है। मुख्य विशेष NIA अदालत में 8 आतंकियों को पेश किया गया था, जिसमें उनकी सजा का शुक्रवार को ही दोषी करार दे दिए गए थे और यहाँ पर वो मौजूद थे। 8 आतंकियों को सजा का ऐलान होना था आज। यहाँ पर विशेष न्यायाधीश शरण पांडे सुनाई जाएगी, लेकिन अभी तक फैसला फिलहाल सजा का सुरक्षित रखा गया। आपको बता दूं कि भोपाल उज्जैन पैसेंजर में 2017 में ब्लास्ट हुआ था और यहाँ पर उसके बाद आतंकी पकड़े गए थे। आतंकी पकड़े जाने के बाद उन्हें जेल में रखा गया था, उनके ऊपर तमाम ऐसी धाराएं, देश विरोधी क्रिया करना और युद्ध करना जैसी धाराएं और तमाम जो है धन अर्जित करना, टेरर फंडिंग करना, उन सब बड़ी धाराओं में, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन पर NIA भी लगाया गया था। तमाम चीज़ें उन पर लगी थी, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा था। शुक्रवार को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन सोमवार को सजा का ऐलान होना था, लेकिन आज नहीं हो पाया है। फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया। इसमें 8 आतंकी हैं जिनके ऊपर कई आरोप लगे, जैसे जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर युवाओं को प्रोत्साहित करना, युवाओं को
खाड़खाना जैसे तमाम चीज़ें हैं और आतंकवादी संगठनों से जुड़ना, ऐसी तमाम चीज़ें इसमें शामिल थी। फिलहाल यहाँ पर कोर्ट में इन्हें दोपहर के तकरीबन 11 या 12 बजे लाया गया था, उसके बाद इनकी लगभग 3 बजे फैसला आना था और 3 बजे आने के बाद फैसला जो विशेष न्यायाधीश हैं विवेकानंद शरण पांडे ने सुरक्षित रखा है। फिलहाल फैसला कल सुनाया जाएगा और देखना वाली बात ये है कि इन पर जो फैसला आता है उस पर क्या अदालत ने क्या इनको फैसले किए हैं और किन किन सराहों का इनसे प्रावधान होता है, क्या इन्हें फांसी की सजा होगी या फिर उम्र कैद भी हो सकती है। इसके साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।